ओके चलो लेट्स गेट स्टार्टेड देन। देखो लास्ट टाइम हमने आई थिंक से वाला प्रोग्राम किया था, राइट? यहाँ तक थे हम। एनी इश्यूज इन एरेज फॉर लूप, ये वाला किया था प्रैक्टिस? आई थिंक सो हमने ये वाला प्रोग्राम किया भी था, राइट? हाँ या ना, स्टेटस बताओ मुझे, यानी कि आगे बढ़ सकते हैं हम। ओके जस्ट अ मिनट, मुझे डाउट आ रहा है, कुछ लोग ऑफलाइन वहां पे बैठे क्या? जस्ट अ मिनट, लेट मी कॉल। चलो, तो हमने ये वाला प्रोग्राम किया था, राइट? जो कि एरे में जो वैल्यूज है उसको हम 100 से इंक्रीमेंट कर रहे थे, राइट? एंड वी आर गोइंग टू स्टोर दैट इंक्रीमेंटेड वैल्यू, ओके, इनटू द एरे, एरे में स्टोर कर रहे थे, राइट? सो यहां तक का तो कोड हमें मालूम है, ओके? अभी एक छोटा सा मैं कोड देने वाला हूँ आपको, वो चीज करना है, ओके? अभी देखो क्या करना है हमें। जैसे कि हमने अभी एक एरे पे काम कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे एरे क्या है, ए ए इज माय एरे, राइट? और उस एरे में कुछ हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो अभी मुझे करना कैसा है, आई वॉन्ट्स टू टेक दी टू एरेज, ओके? एक एरे ले लूंगा मैं, एंड आई टेक वन मोर एरे, ओके? और इस एरे में मुझे करना क्या है, लेट से दिस इज एरे ए, ए एरे है, ओके? एंड दिस वन इज बी एरे, ओके? सो नाउ आई विल टेक द फाइव नंबर्स रैंडमली, मैं कुछ भी फाइव नंबर्स लेने वाला हूँ उसमें, ओके? लेट्स टेक 12, 34, 55, देन 75, देन 100, एनीथिंग, ओके? आई विल टेक दिस फाइव नंबर्स, ओके? पांच नंबर मैंने यहाँ पे ले लिए। सो आफ्टर दैट अभी मुझे क्या करना है, आई विल टेक सम रैंडमली सम वैल्यूज इनसाइड दिस एरे, ये वाले भी एरे में ले लूंगा मैं कुछ वैल्यूज, लेट्स से 32, ओके? देन 34, देन 67, देन 55, देन 99, इन दिस वे, ओके? ऐसे दो एरे में मैंने वैल्यूज ले ली। सो अभी करना कैसा है, आई वॉन्ट्स टू फाइंड द कॉमन नंबर बिटवीन दिस टू एरेज, ओके? अभी बताओ यहां पे इन दोनों में कॉमन कौन से नंबर्स है? यस, 34, 34, 54, 55. 34 एंड 55, राइट? सो मेरे आउटपुट में क्या आना चाहिए? इन माय आउटपुट आई एम एक्सपेक्टिंग 34 एंड 55, राइट? यानी कि कैसा करना पड़ेगा फिर? फर्स्ट ऑफ ऑल एक एरे है ये, राइट? देन बी एरे है, एरे तो मालूम है हमें कैसे डिक्लेयर करते हैं। सो हियर वी आर यूजिंग सिंगल एरे, ओके? सो सिंपली व्हाट आई विल डू, आई विल टेक इन दिस वे। इनिशियली हम ना जो वैल्यूज दिए हैं वो स्टैटिकली ले लेंगे। कैसे, लेट्स से इंटीजर ए ऑफ एरे इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे डाल सकता हूँ कि उसमें नंबर्स कैसे लाइक 22, 12, 34, 55, 75, देन 100, इज इट पॉसिबल? है क्या, कर सकते हैं वैसे? हाँ या ना, कैन आई स्टोर द नंबर्स इन दिस वे इन एरे? यस, राइट? उसे हम लिटरल डिक्लेरेशन कहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, और एक
इंटीजर भी अरे बना लेता हूँ, ओके, और उसमें वैल्यू डाल देता हूँ लाइक 32, 34, 67, 55, 99. I'll take some random numbers in this way. यहाँ पे भी मैंने कुछ वैल्यूज ले लिए. सो अभी हमें करना क्या है बताओ, यहाँ पे इसका लॉजिक क्या रहेगा, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? यस, सोचो, टेक 2 मिनट्स टू थिंक ऑन इट सर. हम कैसे कर सकते हैं ये? डू वी हैव एनी टेक्निकल, इट मीन्स लाइक लॉजिक, जो कि ये जो कॉमन नंबर से वो मुझे मिल सकते हैं, राइट? चलो, ये आप लोग बताने वाले हो, सो आई एम नॉट गोइंग टू यू नो गिव यू द कंप्लीट कोड. ये आप ही लोगों को बताना, यू गाइज हैव टू थिंक ऑन इट. जब तक आप बताओगे नहीं, तब तक अपन आगे नहीं बढ़ने वाले. सोचो, ओके, वैष्णवी सिंह, ए अरे इज इक्वल्स टू बी अरे, ओके, वेरी गुड. थोड़ा सा हाई लेवल का लॉजिक लगाया, फाइन, चलेगा. और सोचो, थिंक ऑन इट. देखो, वैष्णवी ने अभी क्या बताया कि हम ऐसे कर सकते, ए अरे इज इक्वल्स टू बी अरे, राइट, है कि नहीं? तो इतने से ही होने वाला है क्या? इन्होंने कुछ तो बताया, लाइक हम दोनों यहाँ पे ये दोनों एरेज कंपेयर करेंगे, राइट? बट हियर वी नीड टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ दिस एरे, राइट? यानी कि कैसे करना पड़ेगा, देखो. सी गाइस, सब लोग ध्यान दो, लॉजिक बिल्डिंग हो रहा है यहाँ पे. अरे तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बट लॉजिक भी कैसे बिल्ड करना है ये भी हम सीख रहे हैं, ओके. आई एम एक्सपेक्टिंग दी आंसर फ्रॉम यू गाइस एक्चुअली. सो देखो, ये मेरा एरे है ए, ओके, फाइन. सो देखो, आई वॉन्ट्स टू एक्सेस 12, तो कैसे एक्सेस करेंगे? सो बेसिकली टू एक्सेस द वैल्यूज फ्रॉम द एरे, ओके, हम क्या यूज करते हैं यहां पे, क्या होता है ये, कौन सी पोजीशंस पे है 12? यस, क्या होता है वहां पे? A0 इंडेक्स, राइट? यानी कि जीरोथ इंडेक्स है, राइट? ये फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट? सही है. सो दोज आर नथिंग बट द इंडेक्स, ठीक है. सेम चीज भी होने वाला है यहां पे, राइट? ये रहेगा अपना जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये रहा फोर्थ, राइट? ये है अपनी इंडेक्स. सो अपना लॉजिक क्या कहता है कि भाई ए ऑफ जीरो, राइट, क्या बोल रहा हूं मैं, ए ऑफ जीरो, ऑफ जीरो कंपेयर करना है मुझे, इज़ीक्वल्स टू है क्या, चेक करो किसके साथ. देखो मतलब कैसा, यहां से फ्रॉम दिस, यहां से मैं कंपेयर करूंगा इसके साथ, राइट, ठीक है नहीं? देन मैं यही वाला कंपेयर करूंगा इसके साथ, ये वाला मैं फिर से कंपेयर करूंगा इसके साथ, आई विल कंपेयर दिस वन
with this. I'll compare this 12 with this. Right? समझ में आ रहा है गाइज? सी कैसे बताया, ये वाला मैं कंपेयर करूंगा इसके साथ, ओके फिर से 12 कंपेयर करूंगा इसके साथ, ये वाला कंपेयर करूंगा इसके साथ, 12 दिस वन, 12 दिस वन, राइट? तो ये वाले कंपैरिजन होने वाले हैं, यानी कि ए ऑफ जीरो इज इक्वल टू ये मैं कैसे एक्सेस करने वाला हूं, यस बी ऑफ जीरो, राइट? बी ऑफ जीरो, ठीक है चलो बी ऑफ जीरो, राइट? ये मेरा एक कंपैरिजन हो गया, और फिर से क्या हो रहा है, ए ऑफ जीरो इजिक्वस टू क्या रहने वाला है, ए ऑफ जीरो इजिक्वस टू वॉट, बी ऑफ बी ऑफ वन, बी ऑफ वन रहने वाला है, राइट? देन ए ऑफ जीरो इजिक्वस टू बी ऑफ टू है क्या, राइट? देन ए ऑफ जीरो इजिक्वस टू बी ऑफ थ्री है क्या, a of 0 is equals to b of 4 है क्या, राइट? आई एम गोइंग टू कंपेयर ऑल दिस थिंग्स, राइट? है कि नहीं? तो ये सारे जो है ये कहां पे आने वाले हैं, ये 2000 इन द इफ कंडीशन, राइट? है कि नहीं? इफ कंडीशन यानी कि क्या, इफ ए ऑफ जीरो इजिक्वल टू बी ऑफ जीरो देन प्रिंट करो, अगर इक्वल टू है तो, राइट? यानी कि कैसे रहने वाला है, यहां पे कंप्लीटली इफ कंडीशन लग जाएगा यहां पे, अगर ये इक्वल टू है ये सारी चीजें, ओके तभी क्या होने वाला है, यस इक्वल है देन प्रिंट करो, राइट? तो ये एक हो गया, राइट? देन उसके बाद नेक्स्ट वाला कैसा है, नेक्स्ट व्हाट आई विल डू, नेक्स्ट आई विल टेक दिस एलिमेंट, राइट? है कि नहीं? तो वो एलिमेंट हम कैसे करेंगे फिर, ये वाला मैं फिर से ले लूंगा, आई विल कंपेयर दिस विद द फर्स्ट, आई विल कंपेयर दिस वन विद दिस, I'll compare this 34 with this, I'll compare this 34 with this, I'll compare this 34 with this, right? है कि नहीं? तो फिर ये वाला जो है इसका कंडीशन कैसे बनेगा यहां पे? यस कोई बताएगा, इफ ए ऑफ व्हाट, ए ऑफ वन वन, राइट? इज इक्वल टू क्या आएगा, b ऑफ जीरो, b ऑफ जीरो, अगर a ऑफ वन इज टू b ऑफ जीरो है तभी हम क्या करने वाले, प्रिंट करने वाले, राइट? प्रिंट क्या करेंगे, a ऑफ वन, है कि नहीं? a ऑफ वन करो अदरवाइज b ऑफ वन करो, राइट? तो ये एक हो गया एक कंडीशन, देन उसके बाद इफ नेक्स्ट क्या आएगा, a ऑफ वन इजिक्वस टू मेरा क्या आएगा, बी ऑफ वन है क्या, तो प्रिंट करो, राइट? सो इन दिस वे जैसे हमने ये चीज बनाया, तो ए ऑफ वन जो है मेरा, ए ऑफ वन इजिक्वस टू बी ऑफ टू है क्या, राइट? देन ए ऑफ वन मेरा इजिक्वस टू बी ऑफ थ्री है क्या, इन दिस वे आई विल चेक, राइट? ये समझ में आ रहा है? तो ये चीज यहां तक आएगा, सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये नंबर भी हो गया, तो मेरा काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट? यहां पे आ जाएगा, यहां पे आके फिर से क्या करने वाला है वो, फिर से इट विल टेक दिस नंबर, राइट?
और फिर से ये वाला चेक करेगा इसके साथ, 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 और हर एक जगह पे जहां जहां पे भी उसको इक्वल टू इक्वल टू कंडीशन सेटिस्फाई हो गई देन वो प्रिंट कर देगा। सो ये प्रोसेस कहां तक चलने वाला है? यस, कहां तक चलेगा? टिल विच इंडेक्स? फोर, फोर्थ इंडेक्स, राइट, ग्रेट। यानी कि ये चलने वाला है आपका a of फोर इज इक्वल टू कहां तक जाएगा? b of जीरो, राइट, देन a of फोर इज इक्वल टू b of वन। इन दिस वे यहां तक चलने वाला है वो, राइट। सो अभी सोचो और बताओ ये चीज कैसे होगा। दर्शन इज डन, वेरी गुड, ग्रेट। तो फॉर लूप लगेंगे हमें, तो सोचो, राइट, यहां पे क्या लगेगा? फॉर लूप लगेगा, राइट, जो एक फॉर लूप इटरेट होगा यहां पे, दूसरा फॉर लूप इटरेट होगा यहां पे, और वो कंपेयर करेंगे। सो सोचो यहां पे क्या हम यहां पे नेस्टेड फॉर लूप यूज कर सकते हैं, क्या एक ही फॉर लूप यूज करने वाले हैं, राइट। सो थिंक ऑन इट, ओके, ग्रेट। दर्शन, दर्शन ने किया है, विल चेक दर्शन कोड आफ्टर 5 मिनट्स, ओके, तब तक आप लोग लॉजिक बिल्ड करो, ओके, या जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल बी बैक। ओके, समझ में आ रहा है गाइस? तो देखो हमने ऑलरेडी ना फॉर लूप वगैरह सब किया हुआ है, राइट, ये हम कैसे इटरेट कर रहे हैं वो सारी चीजें हमने देखा हुआ है। लेट मी शेयर यू समथिंग। देखो यहाँ पे भी हमने कुछ अच्छा वाला कोड किया था, राइट, नेस्टेड फॉर लूप्स कैसे यूज किए थे हमने, वो भी चीज देखा हुआ है। एक फॉर लूप है, उसके अंदर कोई फॉर लूप है, राइट, थोड़ा सा सोचो। कहीं पे ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या हम? सो थिंक ऑन इट। एकदम ना क्या करना है, एकदम कोर से जाओ, मतलब कैसे, एकदम बेसिक से। पहले इसमें वैल्यूज डालेंगे प्रिंट करेंगे, इसमें वैल्यूज डालेंगे प्रिंट करेंगे, ओके, देन इस पे फॉर लूप लगा के घुमाएंगे, इस पे भी फॉर लूप लगा के घुमाएंगे, देन ये वाले फॉर लूप्स का और ये वाले फॉर लूप का वैल्यूज हम कंपेयर करेंगे। सो इन दैट वे थिंक, उस हिसाब से सोचो, उस प्रोग्राम को ना चंक्स में डिवाइड करो, ओके, उन चंक्स में डिवाइड करके ठीक तरह से बारीकी से सोच के हम आगे बढ़ेंगे।
नेस्टेड फॉर लूप के बारे में भी सोचो, क्या हम इसमें नेस्टेड फॉर लूप लगा सकते हैं? तो थिंक इन दैट डायरेक्शन। दर्शन, जो आपने कोड किया हुआ है उसमें आप यूजर से इनपुट ले रहे हो कि स्टैटिकली वैल्यूज दिए हैं? यूजर से ले रहे सर। हाँ ग्रेट, वेरी गुड। गाइस, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बताओ। ओके सर, थोड़ा सा लॉजिक बता दो, लॉजिक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, चलेगा, मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन, क्या बात है, वेरी गुड मंथ्स। बस ऐसे खुद से अगर लॉजिक लगाने लगे ना, ऐसे आगे बढ़ेंगे अपन।
गाइस यू वांट एनी हिंट? और ट्राई करोगे कैसा है? अगर हिंट चाहिए तो बता दो। राजेश सिंह? यस सर। ओके, और ओके नाउ सी, अभी ना मुझे ए एंड बी आर द टू एरेज, ठीक है। अगर मैंने कहा कि आपको ये वाले कंटेंट आपको प्रिंट करने हैं, तो आप क्या करोगे? एक फॉर लूप लगा दोगे, राइट? और प्रिंट कर दो आप ए ऑफ आई, ठीक है। मैंने आपको बोला कि बी भी प्रिंट कर दो, तो आप कैसे करोगे? फॉर लूप लोगे, ओके। और बी ऑफ लेट्स से जे, ओके। यहाँ पे आई वेरिएबल है और यहाँ पे जे है, तो आपने ये प्रिंट कर दिए, राइट? यानी कि कैसा हो गया, देखो, लेट मी एक्सप्लेन एट दिस प्लेस। एक फॉर लूप कैसे हो रहा है? इंटीजर, चलो मैं डायरेक्टली एल टेक द आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन क्या है, ए डॉट लेंथ, राइट? देन आई प्लस प्लस, यानी कि कहां तो घूमने वाला है, जो आपका ए का लेंथ है वहां तक, राइट? देन नाउ इफ आई से, यहां पे मैंने प्रिंट किया, प्रिंट व्हाट आई एम गोइंग टू प्रिंट, ए ऑफ आई, तो क्या प्रिंट करेगा ये? इतना सा कोड क्या प्रिंट करने वाला है? इट इज गोइंग टू प्रिंट द ऑल द कंटेंट ऑफ एरे ए, राइट? है कि नहीं? सो नाउ यहां पे अगर मैंने और प्रिंट किया, प्रिंट व्हाट बी ऑफ आई, ओके। तो क्या करेगा? बी के कंटेंट प्रिंट करेगा, राइट? यानी कि ये एक फॉर लूप से आप क्या कर रहे हो, दोनों के कंटेंट्स प्रिंट कर रहे हो, ओके। यानी कि एक बार ये प्रिंट करेगा, एक बार ये प्रिंट करेगा, एक बार ये आएगा और एक बार ये आएगा, राइट? यानी कि क्या कर रहा है ये वाला कोड, ए ऑफ जीरो एंड बी ऑफ जीरो, राइट? देन आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, देन ए ऑफ वन बी ऑफ वन, राइट? देन इन दिस वे आ रहा है, राइट? साइमल्टेनियसली दोनों के भी पॉइंटर एक जगह पे रहेंगे और एक साथ हो जा रहे हैं। लेकिन हमने क्या कहा था, नहीं ये वाला ले लो कंटेंट और इन सब के साथ प्रिंट कंपेयर करो। चलो तो हम क्या करेंगे, अगर मैंने इनसाइड दिस एक फॉर लूप ले लिया और मैंने बोल दिया जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन बी डॉट लेंथ, ओके, देन जे प्लस प्लस, ओके। और मैंने क्या किया, अभी ये वाला प्रिंट किया, ऐसे में प्रिंट कर दूंगा, ओके। और यहां पे बी ऑफ जे कर दूंगा, तो कैसे प्रिंट होगा कोड बताओ। पहले क्या करेगा ये वाला कोड, देखो इस कोड को हम अभी क्या करेंगे, डीबग करेंगे, ओके। लेट्स डीबग टू दिस कोड, इतना ही कोड, ओके। आई की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? यस, आई इज इक्वल टू जीरो है मेरे पास, तो यहां पे आ गया ए ऑफ आई, ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है, यानी कि ए ऑफ जीरो, राइट? उसकी वैल्यू क्या है, 12, राइट? उसने 12 किया, यहाँ पे उसने 12 प्रिंट किया। देन मैं क्या कर रहा हूं, फॉर लूप यहाँ पे चालू किया, राइट? देन यहाँ पे क्या हो रहा है,
जे इज इक्वल्स टू जीरो है मेरे पास, देन मैं यहां पे क्या प्रिंट कर रहा हूं, बी ऑफ जीरो देन, राइट, यानी कि क्या प्रिंट करेगा 32। देखो गाइज ये फॉर लूप है, इसके इनसाइड आई हैव दिस फॉर लूप, राइट, तो यानी कि ये पूरा फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा, राइट, जे इज इक्वल्स टू जीरो, जे इज लेस देन लेंथ, जे प्लस प्लस, राइट, तो कंडीशन यहां पे कैसे बनेगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी अभी, यस इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट, तो यहां पे बन गया मेरा जे इज इक्वल्स टू वन, राइट, तो प्रिंट क्या करने वाले हो, बी ऑफ जे यानी कि वन इज इक्वल्स टू व्हाट 34, राइट, तो फिर से जे इंक्रीमेंट करेगा यहां पे और चेक करेगा जे की वैल्यू लेस देन लेंथ है क्या, हाँ है, तो बी ऑफ टू प्रिंट करेगा क्या है 67, राइट, तो ऐसे कहां तक चलने वाला ये फॉर लूप, टिल बी डॉट लेंथ तक, राइट, तो यहां पे क्या करो, बी ऑफ थ्री आ जाएगा इज इक्वल्स टू 55, देन बी ऑफ फोर आ जाएगा इज इक्वल्स टू क्या है 99, यानी कि कैसे हो रहा है, आप जब ये कोड रन करोगे तो प्रिंट कैसे करेगा 12 एंड देन ये प्रिंट करेगा ये सारे वैल्यूज, राइट, देन 34 और प्रिंट करेगा ये सारे वैल्यूज, राइट, आउटर फॉर लूप है मेरे पास आई का, है कि नहीं, तो फिर से आई को इंक्रीमेंट करेगा 55 पे आ जाएगा और सारे ये प्रिंट करेगा, राइट, देन फिर से 75 पे आ गया आई और ये सारे प्रिंट कर दिया, तो यहां पे इंस्टेड ऑफ दिस प्रिंट इफ आई राइट सम इफ कंडीशन, ओके, इफ कंडीशन अगर मैंने लिखा और अगर सेटिस्फाई हो गया तभी प्रिंट कर, अगर मैंने ऐसे लिखा तो क्या होगा, चेक करो, समझ में आ रहा है राजेश? यस सर, हाँ, सो नाउ ट्राई दिस वन, प्रणाली इज डन, मंथ इज डन एंड दर्शन इज डन, ओके, देखो बाकी लोग ऐसे कुछ ट्राई करके देखो कुछ हो रहा है क्या, पहले प्रिंट करो, ओके, प्रिंट करने के बाद हमें पता चलेगा कि कोड में क्या आ रहा है, राइट, गो स्टेप बाय स्टेप ऑलवेज,
ओके मीन वाइल दर्शन कैन यू शेयर योर स्क्रीन सो दैट अदर्स विल सी कि आपने वो लॉजिक कैसे बिल्ड किया है. या सो गाइस यू कैन चेक हियर इन्होंने कैसे किया एंटर द लिमिट ऑफ द बोथ द एरेज एरेज लिया जो मेन लॉजिक है ना चेक द मेन लॉजिक एट लाइन नंबर 35 to 44 ओके राइट उन्होंने जो एक्चुअल में वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं वो यहाँ पे ये बाकी सब वो वैल्यूज यूजर से ले रहे हैं राइट सो सिंपल देखो जैसे हमने किया था सेम लॉजिक एक फॉर लूप लिया आई का एक फॉर लूप लिया जे का ओके तो उन्होंने कैसे किया इफ ए ऑफ आई इक्वल्स टू बी ऑफ जे बस ये जो चार पांच लाइन का कोड है ना दैट इज द एक्चुअल लॉजिक राइट ये वाला ही एक्चुअल लॉजिक है ये तो हम अपने कोड में ये वाला सारी चीजें होती है जो कि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं राइट वेरी गुड दर्शन चेक करो यहाँ पे उन्होंने कैसे किया कैन यू रन दिस कोड रन करो उनको पता चले कैसे कर रहे हो यानी कि बाकी का कोड क्या काम क्या आ रहा है See, enter the limit of both the arrays. 10. Take the 5. 5 values le lo. The first array mein kuch values de di unhone. See. Second. Yes. See. 10, 20 and 30 वहां पे कॉमन चीजें ये वाली है वेरी गुड दर्शन यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग अदरवाइज कीप इट एज इट इज नो इश्यूज बाकी लोग थोड़ा सा चेक करेंगे अगर किसी को कुछ स्क्रीन वगैरह शेयर करके डाउट पूछना है तो भी पूछ लो कोई प्रॉब्लम नहीं है दर्शन यू कैन स्टॉप शेयरिंग चलेगा
इज डन, मानसी डन, दर्शन इज डन। ओके गाइस, कहीं पे डिफिकल्टी है तो पूछो। हो गया सबका? कैन यू गो एड और चलो वेट फॉर 2 मिनट्स। टू मिनट्स, ओके फाइन। सो आई एम ट्रेवल, मैं नेक्स्ट वीक में करता हूँ। ओके पूजा, ठीक है। यस, कोडिंग की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कैसा है ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं? बिकॉज नाउ वी आर गोइंग फॉर दी टू डी अरे, राइट? सो टू डी में भी ये सारी इटरेशन ओवर दी एरेज वगैरह होते ही है, राइट? तो यहाँ पे क्लियर होना बहुत जरूरी है। डन राजेश, क्या बात है, वेरी गुड।
डन डन डन, क्या बात, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। ओके फाइन, देन लेट मी शेयर माय स्क्रीन, लेट मी क्लोज द डोर। शादियां कर रही, फाइन। ओके आई शेयर माय स्क्रीन, इज इट विजिबल टू ऑल? सबको विजिबल है? सो सी नाउ, पहले तो ना हम क्या करेंगे कि अरे डिक्लेरेशंस के कितने बेस हैं, ओके वो एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि अरे हम कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। सो सी, इंटीजर एक्स, क्या हम इसे एरे डिक्लेरेशन कहते हैं? हम ऐसे भी एरे डिक्लेयर करते हैं, राइट? यानी कि न्यू इंट ऑफ 5, ओके यानी कि एक्स की साइज क्या हो गई? 5, राइट? सो इसी चीज को हम ऐसे भी डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट? है कि नहीं? इन दिस वे भी रहेगा, ऐसे भी होगा, राइट? यहाँ पे जो नेक्स्ट स्पेस है ये स्पेस भी निकल जाएगा, मीन्स इन दिस वे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस है दोनों में, राइट? यानी कि क्या हो गया, वी डिक्लेयर द वेरिएबल एक्स एज एन एरे। अगर मैं यहाँ पे वाई भी लिखूंगा ना तो वो भी बन जाएगा मेरा एरे, ओके? लेकिन यहाँ पे कैसा है, एक्स एरे बन गया और वाई मेरा नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल बन गया, राइट? नाउ इंटीजर एक्स इज इक्वल टू, अगर मैंने ऐसे किया तो इसे कहते हैं डिक्लेरेशन, राइट? ये होता है मेरा डिक्लेरेशन। सो नाउ उसके आगे कैसा है, जैसे कि हमने बताया यहां पे इंटीजर मेरा एक्स, लेट मी टेक इट इन दिस वे, एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस एक्स इज माय एरे एंड वाई इज माय नॉर्मल वेरिएबल, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, राइट? सो ऐसे कुछ डिफरेंट वेज है टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स, तो यहाँ पे कभी कंफ्यूज मत हो जाना, ओके? ये जो मैंने अभी दिया हुआ है, ट्राई विद दिस, ये सारे ट्राई करो। अगर हम ये अभी ट्राई करते बैठेंगे ना तो यहाँ पे अपना टाइम चला जाएगा। सो यू कैन ट्राई दिस वन, ये डिक्लेरेशन सी, ये सारी चीजें आप ठीक तरह से डिक्लेयर करके, कंपाइल करके, रन करके देखो ये सारी चलते हैं क्या, और ये डेफिनेटली चलने वाली है, कोई इशू नहीं है, ओके? नाउ नाउ लेट मी गो विथ 2D अरे, ओके? मल्टी डायमेंशनल एरे, ओके? मल्टी डायमेंशनल एरे यानी कि क्या होता है, 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे, इन दिस भी होता है। अगर कभी आपने प्रोग्रामिंग कभी सुना होगा तो 2D एरे आपने सुना होगा, राइट? 2D, वहां पे क्या होता है कि दो एरेज बन जाती है, ओके? 2D एरे, तो इसका सिंटैक्स कैसे रहने वाला है उसे पता चलेगा आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ओके? सो नाउ पता कैसे है? पहले तो हम लेते हैं डेटा टाइप लाइक इंटीजर वगैरह जो कुछ भी है, ओके? एंड देन यहाँ पे मैंने 2D यानी कि ये मेरा वन डायमेंशनल एरे हो गया और ये मेरा टू डायमेंशनल एरे, और मैंने लिख दिया एक्स,
चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स टू डी एरे इज इक्वल्स टू न्यू ओके कीवर्ड यहाँ पे फिर से मैं डेटा टाइप एंड देन मैं इसका दे देता हूँ साइज ऑफ फर्स्ट एरे एंड देन साइज ऑफ सेकंड एरे ओके यानी कि कैसे इंटीजर एक्स टू डी एरे इज इक्वल्स टू न्यू इंट ऑफ फाइव कॉमा फाइव ओके लेट मी टेक इट एज इनिशियली 2.2 यानी कि देखो क्या करेगा आपने सुना होगा कभी कैसे कि आपके एरे में मेमोरी में ओके इनटू द फॉर्म ऑफ टेबल और मैट्रिक्स मैट्रिक्स फॉर्म में टू डे एरे बनता है ओके बट दैट इज इन द सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस दूसरे लैंग्वेज में बनते हैं ओके बट इन जावा अपने पास इन द फॉर्म ऑफ ट्री बन जाता है क्या इन जावा ये ट्री स्ट्रक्चर ले लेता है ओके ट्री स्ट्रक्चर में आता है जो ट्री स्ट्रक्चर में आता है यानी कि कैसे ओके वो कैसे आएगा बता देता हूं देख लो अभी हम क्या कर लेते हैं ये जो एरे हमने लिया है इंस्टेड ऑफ दिस आई विल डिक्लेयर द एरे विद द लिटरल्स यानी कि कुछ वैल्यूज में उसको दे देता हूँ ओके यानी कि इंटीजर एक्स ओके ऐसे मैंने ले लिया टू डी एरे इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे वैल्यूज देते हैं उसको राइट ये क्या है मेरा नॉर्मल है राइट 1.2.3 दिस इज अ नॉर्मल एरे राइट तो मैंने यहाँ पे क्या किया यहाँ पे और एक 2D उसको बनाया ओके टू डी बनाया उसको और वहां पे मैंने क्या किया और एक कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और ये रहा मेरा फर्स्ट पोजीशन पे और ये रहा मेरा सेकंड पोजीशन पे 4, 5, 6 ओके और ये रहा मेरा कॉमा देखे थर्ड पोजीशन पे लाइक 7, 8, 7, 8, 9 ओके और मैंने इसको कर दिया क्लोज देखो ठीक तरह से ये मैं क्या कर रहा हूं एक एरे डिक्लेयर किया विद टू डी टू डायमेंशनल एरे मैंने बना दिया उसको हम 2D कहते हैं तो ये जो फर्स्ट वाला जो है ये फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड देन लास्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज और उसके बीच में ये मैंने लिया है एक फर्स्ट ओके एंड देन ये सेकेंड ओके एंड देन ये कॉमा देके थर्ड वाली ओके यानी कि ये चीज अभी आपके ट्री फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होता है मैं बता देता हूं ओके सो देखो यहां पे फर्स्ट एरे इंडेक्स फर्स्ट डी एरे एंड सेकेंड एरे ऐसे दो एरे हैं मेरे पास ओके तो टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स है मेरे पास कैन एनीवन टेल मी द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यस टोटल कितने नंबर्स है मेरे पास कितने एलिमेंट्स है कोई बताएगा देखो अभी ना हमने देखा हुआ है ऐसे इंटीजर एक्स इज इक्वल्स टू 1.2.3 राइट इस एरे में कितने वैल्यूज हमने बताया थ्री वैल्यूज राइट थ्री एलिमेंट्स मिला इनटू द एक्स तो यहां पे कैसे बन रहा है ये वाला जो है फर्स्ट एक इंडेक्स पे जाएगा ये सेकेंड इंडेक्स पे कैरी जाएगा और थर्ड इंडेक्स पे कैरी मतलब कैसे मैं कंप्लीट बता देता हूं यानी कि आपको पता चलेगा सी सो टोटल नंबर ऑफ यहां पे ये जीरोथ इंडेक्स ये फर्स्ट इंडेक्स और ये सेकेंड इंडेक्स यानी कि जीरो इंडेक्स पे एक एरे है फर्स्ट इंडेक्स पे एक एरे और सेकेंड इंडेक्स पे एक एरे ओके यानी कि कैसा है कि इस एक्स के फर्स्ट वाला जो है ये जो है दिस वन
दिस वन इज पॉइंटिंग टू दिस आउटर लूप, ओके। और इसके अंदर जो कुछ भी रहेगा दैट इज इन द इनर लूप्स, ओके। यानी कि कैसे बन रहा है इन दिस वे, तो फर्स्ट बनेगा अपना तीन एलिमेंट्स है इसमें, राइट। सो इट विल टेक द थ्री एलिमेंट्स। और देखो इसमें कितने एलिमेंट्स बताए, आउटर में कॉमा कितने हैं, दो है, यानी कि वन टू थ्री इंडेक्स है। तो यहां पे बन गया मेरा जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स एंड देन मेरा बन गया टू इंडेक्स, राइट। आउटर में यानी कि इसके अंदर एक करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, सेकंड करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, थर्ड करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ओके। यानी कि नाउ लेट मी ड्रॉ वन मेमोरी, ओके। एक मेमोरी लोकेशन बना लेता हूं फटाक से, ओके। लेट मी टेक दिस थ्री, ओके फाइन। सो देखो नाउ लेट मी टेक दिस वन, देन लेट मी टेक दिस वन, देन लेट मी टेक वन मोर, लेट मी टेक वन मोर, लेट मी टेक वन मोर, ओके। ये मेरा क्या है, मेमोरी है, ओके। जैसे कि हमने बताया था पहले कि कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई क्यों होता है, राइट। ये ऑक्यूपाइड मेमोरी है समवेयर, राइट। सो देखो अभी यहां पे जब ये फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, ओके, ये फर्स्ट एरे पे जाएगा, तो इसका साइज कितना बता रहा, आउटर इंडेक्स में कितने कॉमा है, वन टू कॉमा है, यानी कि जीरो वन टू, टू इंडेक्स है, तो उस हिसाब से हमने जीरो वन टू बनाया। एंड देन इनसाइड दिस जीरो इंडेक्स पे और एक एरे बन रहा है मेरा, राइट। उस एरे में कितने वैल्यूज है, थ्री वैल्यूज है फिर से, तो ये बनेगा यहां पे एक छोटा सा ऐसे एरे, ओके। एक एरे बन जाएगा और वहां पे वो पॉइंट करेगा आपका वन टू थ्री, यानी कि यहां पे रहेगा वैल्यूज वन टू एंड थ्री, ओके, इन दिस वे। और ये जो एरे है, इस एरे का एड्रेस जो रहेगा, मेरा एड्रेस सेव रहेगा इस जीरो इंडेक्स पे, यानी कि ये जीरो इंडेक्स इज पॉइंटिंग टू दिस वन, ओके। देन उसके बाद लेट मी टेक दिस वन एज इट इज, ओके। तो और एक ऐसे बन रहा है यहां पे, देन और एक चीज बनेगा यहां पे, बिकॉज वी हैव थ्री इंडेक्स, राइट। और थ्री इंडेक्स में तीन एरे है मेरे पास, तो ये तो इनिशियली we do not have anything, right? ये values में निकाल देता हूँ, sorry, okay? तो first index, जब वो first index पे आएगा, तो 4, 5, 6 values है, right? तो वो चला जाएगा आपके यहाँ पे और 4, 5 and 6, okay? और ये कौन सी index पे है, first index पे, तो वो क्या कर देगा, इस first इस array का address सेव कर देगा फर्स्ट लोकेशन पे, ओके। देन नेक्स्ट कैसा रहेगा, सेकेंड इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यूज क्या है, 7, 8, 9, तो ये बन जाएगा मेरा 7, 8 और ये रहेगा मेरा 9, राइट। तो ये इस एरे का एड्रेस सेव रहेगा यहां पे, समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है, या कि थोड़ा सा बाउंसर जा रहा है गाइस, हेलो, नो, अच्छा बाउंसर नहीं जा रहा, समझ में आ रहा है, ओके वैष्णवी थैंक्स। व्हाट अबाउट अदर्स,
एक्सप्लेन अगेन, ओके एक्सप्लेन अगेन, फाइन चलेगा। देखो नाउ ध्यान दो, ओके हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा 2D एरे है, 2D एरे, टू डायमेंशनल एरे, ओके टू डायमेंशनल एरे, जैसे कि मैंने बताया टू डायमेंशनल एरे ट्री फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, ओके ट्री फॉर्म में, यानी कि कैसे, जब मैं यहां पे लेट मी टेक इट एट दिस प्लेस, इंटीजर ए ऑफ एरे न्यू इंट ऑफ 2, 3, ओके जब मैं ऐसे बनाऊंगा 2, 3 तो क्या करेगा, 2, 3 यानी कि 2 और 3, 2 रोज 3 कॉलम्स, ओके ऐसे बनेगा, ओके ये कहां पे दूसरे लैंग्वेज में होता है, बट यहां पे क्या करेगा, 2 नोड बनाएगा, आपने कितने साइज दिया है 2, तो ये बन जाएगा मेरा 2, ओके ये 2 का नोड बन जाएगा, ओके देन आपने बताया 3, यानी कि ये 3 का एरे बन जाएगा, यहां पे इसमें यहां से जब आप आओगे, ओके तो हियर वी कैन स्टोर द 3 वैल्यूज, यहां पे देखो फर्स्ट वाला जो हमने बताया यहां पे तो वहां पे 2 इंडेक्स बन गए, राइट ये मेरा 0th इंडेक्स और ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स, ओके 0th इंडेक्स एंड फर्स्ट इंडेक्स, और उसमें हर एक में कितनी वैल्यू स्टोर होने वाली है, 3 3 वैल्यू स्टोर होने वाली है, ओके तो यहां पे हमने दे दिए 3 वैल्यूज, लाइक इन दिस वे 1, 2 एंड 3, ओके और हमने बताया ये एरे है, ओके सो ये बन गया मेरा एरे, ओके अगर मैंने उसमें वैल्यूज दिया है तो, अगर मैंने वैल्यूज नहीं दिए तब क्या बनने वाला है, सी तब क्या बनेगा, ये 0 इंडेक्स और ये फर्स्ट इंडेक्स, मैंने कुछ तो वैल्यू दिए नहीं है, इसको डिक्लेयर किया है, कितना साइज रहेगा 3 बोल दिया मैंने, तो वो बनाएगा 3 का एरे यहां पे, ओके और नेक्स्ट क्या बनाएगा, इस पोजीशन पे भी वो स्टोर करेगा, सॉरी इस पोजीशन पे भी वो स्टोर करेगा 3 एलिमेंट्स, ओके इन दिस वे, सो इनिशियली मेरे पास कुछ वैल्यूज नहीं है, राइट तो बाय डिफॉल्ट एरे में क्या वैल्यू स्टोर करता है, 0, राइट तो यहां पे 0, यहां पे 0 और यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 0 और यहां पे 0, लेकिन ये बन कैसे रहा है, ये जो है 2, तो इसने 2 का साइज का बनाया पैरेंट नोड, इसे हम क्या कहेंगे, पैरेंट नोड, ओके पैरेंट, ओके पैरेंट नोड, और ये जो है ना नीचे के लाइंस पे दोज आर नथिंग बट माय चाइल्ड नोड्स, ओके तो चाइल्ड नोड का साइज क्या बताया मैंने, 3, यानी कि हर एक जगह पे, ओके हर एक इंडेक्स पे वो एक एरे बना रहा है विद 3 साइज, ये वाला एक साइज के 3 बना दिया और ये वाला, ओके यानी कि ये समझ में आ रहा है यहां तक, दिस वन ये कैसे बन रहा है, पहले तो हम ना स्ट्रक्चर समझ के लेते हैं, बाद में वैल्यूज डालेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है इनसाइड द मेमोरी, ये समझ में आ रहा है, और शायद रिपीट अगेन, देखो आप 100 टाइम्स पूछो मैं 100 टाइम्स बताऊंगा, ओके इंटीजर ए 2D array इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 2, 2 ऐसे दे दिया, ओके 2, 2 का साइज दे दिया, तो जैसे हमने ये चीज बताया तो यहाँ पे जो फर्स्ट में हम जो वैल्यू दे रहे हैं साइज दे रहे हैं, तो ये वाला कौन सा नोड है बताया मैंने, पैरेंट है मेरा, कौन पैरेंट है, तो कौन पैरेंट है इसमें से, हुज पैरेंट, दिस वन, तो पैरेंट ये बन गया और ये बन गया मेरा चाइल्ड, ये चाइल्ड का साइज है,
ये वाला मेरा चाइल्ड का साइज है, 2 2 दिया मैंने यहाँ पे, राइट। सो पेरेंट का साइज क्या दिया, 2, तो वो बनाएगा, ऐसे एक नोड बनाएगा, ओके okay? और उसमें साइज क्या बताया मैंने, 2, ओके okay? 2 है, इसका 2 है पेरेंट का, देन चाइल्ड, ओके चाइल्ड, तो इस चाइल्ड में एक इस साइड पे इस नोड पे बिलोंग करेगा एक एरे, और यहां पे एक एरे, और इस एरे का साइज क्या रहने वाला है, तो यहां पे जो नोड से उसको मैंने बोला है चाइल्ड, राइट, तो चाइल्ड का साइज क्या दिया मैंने, 2, राइट, तो यहां पे वो बनाएगा मेरा 2 का एरे, ओके इन दिस वे ये बनेगा मेरा 2 का एरे। पेरेंट में 2 नोड है, ओके फर्स्ट एंड सेकेंड, और चाइल्ड यानी कि ये पेरेंट है, इसके 2 बेटे हैं और इसके 2 बेटे हैं, ओके तो टोटल नंबर कितने स्टोर हो रहे हैं यहां पे, 2 × 2 यानी कि 4 नंबर्स, राइट। यहां तक समझ में आ रहा है ये वाला चीज, यस सर। 2 किसका वैल्यू है और 3 किसका वैल्यू है, ओके फाइन, ये पहले बोला था, ठीक, यहां तक ये तो समझ में आ गया, राइट, यहां तक का ओके है, ये समझ में आ गया, नहीं देखो ना, नाउ लेट मी एक्सटेंड दिस बिट, ओके चलो ये मैंने बता दिया, अभी Now let me take integer a of array 2d is equals to new int of 3 and 3, तो बताओ कैसे बनेगा, अभी parent का size क्या है, 3, child का size क्या है, 3, यानी कि सबसे पहले यहां पे clear हो जाना चाहिए हमें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आ जाएगा, 9, यानी कि 9 नंबर स्टोर होने वाले कहीं पे, तो अभी देखो यहाँ पे पेरेंट का साइज क्या था, 2, चाइल्ड का 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो रहा है, 4, राइट, तो 4 वैल्यू स्टोर होने वाले यहाँ पे, 1 2 3 4, ऐसे ध्यान में रखना, लेकिन यहाँ पे देखो अभी फिलहाल लेट्स फोकस ऑन दिस, तो पेरेंट के नोड्स में पेरेंट के कितने नोड्स बनने वाले हैं मेरे पास, साइज क्या रहने वाला है, 3, 3, तो मैंने यहाँ पे बना दिया 3, ये वाला 1 और ये वाला 2, मेरे 1 2 3 इसके 3 बन गए ना, राइट, सो कैन आई कॉल इट एज ए पेरेंट, तो मेरा पेरेंट है, अभी मेरा चाइल्ड है, नेक्स्ट क्या है, चाइल्ड, तो चाइल्ड में कितने हैं, 3, तो ये जो 3 है तो ऐसे 3 बनने वाले कि या इस एक नोड में ये 0th इंडेक्स, हाँ मैं बता रहा हूं ये 0 इंडेक्स, ये है इंडेक्स, लेट मी राइट द इंडेक्स हियर, ये क्या है इंडेक्स, ओके ये इंडेक्स में बन गया मेरा 0 1 और ये 2, ओके तो 0 इंडेक्स का साइज क्या रहने वाला है, यहां पे कितने अरे का डेटा रहने वाला है, यहां पे देखो यानी कि 3 इंडेक्सेस रहने वाले, 3 साइज है मेरा चाइल्ड का, तो यानी कि इसका साइज दिया मैंने 3, तो यहां पे आएगा और वो बनाएगा 3 साइज का, राइट, यहां पे ये और एक ये, राइट, पेरेंट कितने हैं,
तीन है, तो उनके बच्चे भी कितने रहने वाले हैं, तीन तीन के साइज के रहने वाले। ओके तो ये पॉइंट किया उसने यहां पे, राइट, समझ में आ रहा है। तो एक नंबर का जो पेरेंट है उसके बेटे किधर है, उनके बेटे भी हमें बनाने पड़ेंगे, राइट चाइल्ड। तो ये मैंने बना दिया, और उनका साइज क्या रहने वाला है, यहाँ पे दिया है, चाइल्ड का साइज रहने वाला है थ्री, तो लो मैंने बना दिया थ्री, राइट। और ये पॉइंट किया यहाँ पे इस नोड पे। तो फिर सेकेंड नोड का और सेकेंड इंडेक्स का जो पेरेंट है उसके बेटे बनाने पड़ेंगे हमें, तो उनका साइज क्या दिया था मैंने, थ्री, राइट। तो ये बन गया फर्स्ट, और ये बन गया सेकेंड, और ये बन गया थर्ड, और ये पॉइंट किया यहाँ पे। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? हाँ, यस सर। नाउ नाउ यू हैव टू टेल, ओके, इंटीजर एक्स 2D array is equals to new int of 2, 5, 8, 5, ऐसे बनाऊंगा मैं। तो मुझे बताओ जो अभी पेरेंट बन रहा है मेरा, ओके, तो कितने साइज का बनेगा? दो साइज का बनेगा। तो मैं बना लूं, ये मैंने बनाया दो साइज का पेरेंट, ओके। तो ये पेरेंट जो है, इस पेरेंट को मैं नाम देता हूं जीरो पेरेंट, और इस पेरेंट को नाम देता हूं वन पेरेंट, दो आर नथिंग बट द इंडेक्सेस, ओके। जीरो पेरेंट, तो जीरो पेरेंट के बच्चे किधर है, राइट? अगर बच्चे है तो कितने बच्चे हैं उनके जीरो के? पांच बच्चे, यानी कि यहां पे बन जाएंगे मेरे पांच बच्चे, ये वन टू थ्री फोर और फाइव, राइट, ये पांच बन गए, राइट। ये किसके हैं? जीरो के ये पांच बन गए, ओके। तो वन के किधर है? एक पे भी पांच बनेंगे, तो वन के भी पांच बनेंगे, राइट। तो इसके भी अलग से पांच बनने वाले हैं, एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच, और ये किसके हैं? वन के। गेटिंग इट गाइस, समझ में आ रहा है? तो देखो टोटल यहां पे, तो फिर इसके इंडेक्सेस भी रहेंगे ना, इस चाइल्ड के भी नाम रहेंगे कुछ, तो ये है जीरो चाइल्ड, ये वन चाइल्ड, टू चाइल्ड, थ्री चाइल्ड और ये फोर चाइल्ड, इसके भी सेम नाम रहने वाले, जीरो चाइल्ड, वन चाइल्ड, टू चाइल्ड, थ्री और ये फोर। समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन? यस, वेरी गुड। ठीक, अगर ये समझ में आ गया तो हम जीत गए, सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे अपने को, ओके। अभी देखो, ये जो मैं 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4 जो कुछ भी लिख रहा हूं, ये वैल्यू है क्या, इंडेक्स है क्या? ये इंडेक्स, राइट, ग्रेट, ये है मेरे इंडेक्स, है कि नहीं? सो नाउ, अभी मैं क्या करता हूं, यहां पे एक नोड बना लेता हूं, पेरेंट नोड, उस पेरेंट नोड को मैं यहां पे दो पेरेंट्स बना देता हूं, एंड लेट मी क्रिएट वन चाइल्ड एट दिस प्लेस, और एक चाइल्ड मैं यहां पे बना लेता हूं, ओके। और यहां पे मैंने एक और ये दो, ओके, एक और ये दो, ओके।
सो देखो, यानी कि ये वाला पॉइंट कर रहा है यहां पे, ये वाला पॉइंट कर रहा है यहां पे, ओके। एंड कंसीडर ये जो है, इसको मैं इंडेक्स से दे देता हूं। इंडेक्स में कहां पे दे रहा हूं, यहां पे ऊपर दे रहा हूं, जीरो इंडेक्स और ये फर्स्ट इंडेक्स, ओके। और यहां पे लेट मी गिव द इंडेक्स, जीरो वन टू, ओके, जीरो सॉरी जीरो वन टू, ओके। और मैं इस कंप्लीट जो 2D एरे है, इस एरे को नाम देता हूं मैं बी। क्या नाम दे रहा हूं, बी, ओके। तो मुझे बताओ इसका एरे डिक्लेरेशन कैसे रहेगा फॉर द बी। यस, इंटीजर। आगे बताओ, बी ऑफ एरे एरे बी ऑफ एरे एरे इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ, हाँ, ऑफ टू टू, बिकॉज पेरेंट नोड कितने हैं मेरे पास, टू टू, हाँ, और चाइल्ड का साइज कितना मिल रहा है मुझे अभी, नेक्स्ट थ्री, थ्री। तो यहाँ पे थ्री लिख दूँ। यस, ग्रेट, वेरी गुड। तो ये बन गया मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एरे, राइट, ठीक है कि नहीं। और अभी देखो, जो पैरेंट में ना वैल्यूज नहीं रहने वाली, पैरेंट का वैल्यू कौन है, ये वाले एरे है, राइट, ठीक है कि नहीं। ये पैरेंट का वैल्यू क्या है, ये एरे है, यानी कि कंसिडर करो ये जो पेरेंट्स हैं, ओके, ये पेरेंट्स ने उनके बेटों को पैसे दे दिए, ओके, पेरेंट ने उनके बेटों को पैसे दे दिए, और ये बेटों का नाम है 012, 012, ओके। सो लेट्स कंसीडर कि इस बेटे ने, बेटे को बी पेरेंट्स, बी में जो पेरेंट है जीरो, उसने इनको दे दिए 50 रुपीज, वन को दे दिए 45 रुपीज, थ्री को दे दिए 56 रुपीज, ओके, जीरो को दे दिए 50, वन को दे दिए 45 रुपीज, टू को दे दिए 56 रुपीज, ओके। किसने दिए, किन, कौन से पेरेंट ने दिए, विच पेरेंट, जीरो जीरो पेरेंट जीरो ने इनको वैल्यूज दे दिए, राइट। सो नाउ अगर मैंने ऐसे लिखा, एरे का नाम क्या है मेरा, द नेम ऑफ माई एरे इज बी बी, कौन सा पेरेंट है, ये वाला पेरेंट और ये वाला चाइल्ड होता है, राइट, ये वाला पेरेंट और ये वाला चाइल्ड, तो कौन से पेरेंट ने दिए हैं, यस, जीरो विच पेरेंट, जीरो और वन, जीरो जीरो पेरेंट, ओके, जीरो पेरेंट ने इस 50 रुपीज कौन से चाइल्ड को दिए, यस, जीरो जीरो चाइल्ड के पास कितने रुपीज दिए, व्हाट द वैल्यू, 50। 50, राइट, समझ में आ गया। यानी कि जीरो, ध्यान से देखो, जीरो पेरेंट है मेरे पास, ओके, उस जीरो पेरेंट का ये वाला इंडेक्स, ओके, यानी कि बी ऑफ जीरो, यानी कि क्या हो गया, 50 भी पॉइंट किया हमने, राइट। अगर मुझे 45 एक्सेस करना है और 45 मुझे देना है, तो मैं कैसे करूंगा, क्या आएगा फिर, द नेम ऑफ एरे इज क्या आएगा, बी ऑफ, बी ऑफ वन जीरो वन आएगा, कौन से पेरेंट के है ये, जीरो पेरेंट के है ना, तो पेरेंट का वैल्यू क्या जीरो रहेगा, जीरो, ओके। तो कौन से चाइल्ड के पास पैसे दिए उन्होंने, वन फर्स्ट फर्स्ट, तो ये आ गया मेरा फर्स्ट, कितने रुपीज दे दिए उन्होंने, 45, फोर्टी फाइव राइट।
समझ में आ रहा है? प्रज्ञा सिंह करेक्ट वन, ओके। नाउ ये दो नंबर का जो चाइल्ड है उसके पास 56 रुपीज है, राइट? तो कौन से पेरेंट ने दिए हैं? जीरो पेरेंट ने। तो यानी कि ये वैल्यू कैसे आएगा? बी ऑफ जीरो ऑफ टू, राइट? यानी कि क्या हो गया मेरा 56, राइट? यानी कि ये जो जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट एरे का जीरो, यस। फर्स्ट एरे का जीरो क्या है? कौन रिप्रेजेंट करता है? पेरेंट, ठीक है? नहीं, ये पेरेंट है, ये पेरेंट है और ये पेरेंट है, समझ में आ रहा है? और ये चाइल्ड जीरो वन टू, यानी कि ये एरे का जीरो पेरेंट का जीरो वन टू, ये हो गया, राइट? सो नाउ इफ आई विल से एट दिस प्लेस 100, 200 और 300, ओके? तो एरे का नाम क्या है मेरा? बी। कौन से पेरेंट पे पॉइंट कर रही है? वन, वन पेरेंट, राइट? सो नाउ बी ऑफ जीरो वन, बी ऑफ जीरो वन चेक करो, ओके फाइन, चेक करो। तो क्या आएगा अभी यहां पे, कैसे आएगा वैल्यू बताओ? B of, मुझे एक्सेस करना है ये वाला 100, हाँ, I want to access 100. 100 कौन से चाइल्ड के पास है? जीरो, जीरो चाइल्ड के पास। कौन सा पेरेंट है? वन, वन, यानी कि पेरेंट आएगा पहले, राइट? B of वन ऑफ जीरो, जीरो, यानी कि क्या आ गया मेरा 100, राइट? करेक्ट है। अगर मुझे अभी ये 200 चाहिए तो कैसे होगा? B ऑफ कौन से पेरेंट पे पॉइंट कर रहा है वो? फर्स्ट ऑफ फर्स्ट, राइट? यानी कि आ गया 200, राइट? सो नाउ B ऑफ वन और टू, यानी कि कौन आ गया 300। समझ में आ रहा है गाइस ये रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है? करेक्ट, करेक्ट वन, ओके। ये समझ में आ रहा है सबको? या अभी बाउंसर है अभी भी? यस, नो, समझे सर? ओके ग्रेट, फाइन, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। गॉट इट सर, ओके। देखो एकदम सिंपल तरीके से बताया हमने, एकदम सिंपल तरीके से, ओके? सो ये जो चीज है इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट करके हमने बताया, राइट? तो अभी देखो हमारे पास वैल्यूज है, राइट? 50, 45, 56। ये जो है ये एरे डिक्लेरेशंस करके हमने ऐसे किया। नाउ अगर मैंने विद लिटरल्स दे दिए, मैंने डायरेक्टली कॉन्स्टेंट्स के साथ ये वाला दे रहा हूं अरे, तो कैसे बनेगा? देखो इंटीजर बी ऑफ ऐसे दे दिया इज इक्वल्स टू मेरा क्या है, पहला कर्ली ब्रैकेट ओपन और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो अभी ये जो कर्ली ब्रैकेट है पहला ओपन और क्लोज, तो ये कौन है? मेरा पेरेंट है, ओके? कौन है? पेरेंट है। तो पेरेंट में, ये पेरेंट में कितने वैल्यूज है मेरे पास? हाउ मेनी वैल्यूज विल हैव इन अ पेरेंट? टू वैल्यूज, टू। तो मैंने डैश 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 कॉमा डैश 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 ले लिया, राइट? डैश डैश यानी कि कुछ मैं वैल्यूज अभी देने वाला हूं, ओके? सो नाउ ये जीरो और वन है इसलिए मैंने एक कॉमा ले लिया, राइट? यानी कि यहाँ पे कुछ वैल्यू जाएंगी, कॉमा यहाँ पे कुछ वैल्यू जाने वाली है, बट यहाँ पे जो वैल्यूज आने वाली है वहां पे एरे है, राइट? जीरो इज पॉइंटिंग टू दिस एरे, राइट? तो एरे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कर्ली ब्रैकेट्स, राइट? है कि नहीं? यानी कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगा और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज आएगा, और यहाँ पे वैल्यूज क्या आएंगी बताओ? जीरो
जीरोथ इंडेक्स, यानी कि देखो ये जीरोथ इंडेक्स और ये फर्स्ट इंडेक्स, राइट। तो जीरोथ इंडेक्स के वैल्यूज कौन सी है, व्हाट आर दोज वैल्यूज? यस 50, 45 एंड 56, राइट। तो ये बन गया मेरा पहला चाइल्ड, राइट कॉमा। अब ये सेकंड चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड में क्या है, 100, 200 एंड 300, राइट ठीक है नहीं। तो ये बन गया मेरा एक चाइल्ड, ओके, और ये है मेरा और एक चाइल्ड, ऐसे दो चाइल्ड से मेरे पास, राइट, गेटिंग इट। तो पेरेंट के कर्ली ब्रैकेट्स, यहां पे ये कर्ली ब्रैकेट पेरेंट का ओपन और ये कर्ली ब्रैकेट पेरेंट का क्लोज, समझ में आ रहा है गाइस? ये चीज समझ में आ गया कैसे क्या हमने? यस वेरी गुड ग्रेट। तो देखो तो ये वाला एरे रिप्रेजेंट करता है यही चीज, यानी कि ये फर्स्ट जो ब्रैकेट रहेगा दैट फर्स्ट ब्रैकेट बिलोंग्स टू योर पेरेंट, राइट, और उसके अंदर के ये जो है ओके दोज आर नथिंग बट योर ये वाला चाइल्ड, और ये जो एक ब्रैकेट है ये बन गया आपका ये वाला चाइल्ड, राइट, समझ में आ रहा है तक? सो नाउ अगर मैंने अभी ऐसे लिखा क्या इंटीजर ए, अरे ओपन क्लोज, एक करली ब्रैकेट ओपन और एक करली ब्रैकेट ओपन, 1, 2, 3 क्लोज कॉमा करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ओके, और इसमें लिख दिया मैंने 4, 5, 6 और मैंने इस करली ब्रैकेट को भी कॉमा दे दिया, करली ब्रैकेट ओपन 7, 8, 9 करली ब्रैकेट दोनों मैंने क्लोज कर ऐसे छोड़ दिया। तो देखो हमेशा याद रखना ये जो दो करली ब्रैकेट ओपन दिखे तो ये 2D है, ओके दो करली ब्रैकेट, तो मेरा पेरेंट का ये वाला करली ब्रैकेट है तो ये मेरा एक चाइल्ड है, राइट, दिस इज माय वन चाइल्ड, दिस इज माय सेकंड चाइल्ड, दिस इज माय थर्ड चाइल्ड, राइट। तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा बताओ अभी, तो पेरेंट के कितने नोड्स रहने वाले हैं, हाउ मेनी नोड्स फॉर द पेरेंट, टोटल नंबर ऑफ पेरेंट कितने है? 3, ओके ग्रेट 3, हाँ तो मैंने बना दिया ऐसे 3, ओके ये वाला एक और ये वाला एक, ओके तो इन पेरेंट्स का नाम बाय डिफॉल्ट वही रहने वाला है हमेशा, ये 0, ये 1 और ये 2, बिकॉज दोज आर नथिंग बट द इंडेक्स। तो अभी जो चाइल्ड है फर्स्ट चाइल्ड में कितने वैल्यू है, हाउ मेनी वैल्यूज इन द फर्स्ट चाइल्ड, 3, हाँ यानी कि 0 पेरेंट के जो चाइल्ड है वहां पे 3 रहने वाले हैं बेटे, राइट, 0, 1, 2 और उनके वैल्यूज क्या है, व्हाट आर दोज वैल्यूज, वैल्यूज आर 1, 2, 3, राइट, और इनके इंडेक्स कैसे रहने वाले, ऑब्वियसली 0, 1 और 2 ये इंडेक्स है, हर एक के इंडेक्स होते ही है, तो ये पॉइंट क्या उसने यहां पे, राइट। तो मैं अभी क्या करता हूं सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूं जो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, राइट, तो यहां पे लेट मी रिमूव दीज वैल्यूज। अभी जो सेकेंड जो मेरा पेरेंट है 1, तो उसका साइज क्या है,
ऑब्वियसली सेम ही साइज रहने वाला है, व्हाट इट इज 3, तो वैल्यूज क्या रहने वाली है वहां पे, वैल्यूज क्या रहने वाली है, 4, 5, 6 राइट, और ये पॉइंट करेगा मेरा यहाँ पे, राइट, लेट मी टेक वन मोर एरे, ये सेकेंड पेरेंट के लिए, उसमें वैल्यूज है मेरे 7, 8 और 9, हाँ, और ये पॉइंट करेगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है, ओके, सो नाउ अभी, नाउ माय क्वेश्चन इज आई वांट्स टू एक्सेस दिस फाइल, ये फाइल चाहिए मुझे, कौन सा नंबर चाहिए, 5 चाहिए, तो बताओ कैसे लिखूं मैं स्टेटमेंट, यस, सबसे पहले एरे का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ एरे, इसने चैट में डाल दिया ए ऑफ 1, 1, क्या बात है वैष्णव, वेरी गुड, राइट दर्शन, ए ऑफ 1, 1, ग्रेट, सही है, यानी कि ये रहा ए ऑफ, ये कौन से पेरेंट का है, फर्स्ट पेरेंट का, 1, कौन से चाइल्ड का है, ये फर्स्ट चाइल्ड का, तो दीजिए 1, राइट, तो बन गया दिस 1, सो नाउ आई वांट टू एक्सेस दिस 9 एक्सेस करना है, तो यस, राइट, ए ऑफ 2, 2, वैष्णवी प्रज्ञा दोनों ने आंसर दिया है, बाकी लोग सही है क्या, 2, 2 सही है क्या, गलत है, मुझे तो गलत लग रहा है, यस आई वॉन्ट्स टू एक्सेस दिस 9, 9 के पेरेंट्स कौन है, 9 जो वैल्यू है वो चाइल्ड के कौन है, 2 है, ओके, तो ये इस 2 के पापा कौन है, ये 2 है, राइट, और इस एरे का नाम क्या है, ए है, राइट, तो ये बन जाएगा ऐसे ए ऑफ 2, 2, राइट, वेरी गुड मार्क्स, सही, समझ में आ रहा है यानी कि सबको, एवरीवन, एवरीवन, यस, 2D अरे बहुत जल्दी से समझ में नहीं आता बहुत सारे लोगों को, जाके चेक करो किसी से भी, वो 2D अरे ना कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, कैसे वैल्यूज निकालने ना, पूरा बाउंसर जाता है उनको, और आप सब लोग यहाँ पे आराम से बता रहे हो, ओके, यानी कि अपना कंसेप्ट क्लियर है, यस, दर्शनी सिंह यस, प्रणाली यस, राजेश यस, समीना यस, वैष्णवी यस, मानसी यस, वेरी गुड, यानी कि सबको समझ में आ गया, तो ये जो है ना, ये 2D एरे का एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, ओके, सो ये जो है, ये जो हमने कोड लिखा है कौन सा वाला, दिस वन, ये एक्चुअल जावा कोड है, राइट, तो ये जो चीजें प्रोग्रामेटिकली करके हम कल देखेंगे, यानी कि ये सारी चीजें, ओके, ये सारी चीजें हम कल प्रोग्रामेटिकली करके देखेंगे कि एक्चुअल में प्रोग्राम लिखना कैसे है, एरे में वैल्यूज कैसे डालेंगे, वो एरे की वैल्यूज हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, विल सी बाय टुमारो, बट यू हैव टू कीप इन माइंड ये कैसे वर्क करता है, राइट, ज्यादा दिमाग में मत रखो, यानी कि नॉट गो, डोंट गो मच मोर डीपर इन दैट, ऑलरेडी हम बहुत डीप में जा चुके हैं, ओके, ये कॉन्सेप्ट कैसे बन रहा है, ये ट्री स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, इतना दिमाग में रखो बस, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी, ओके, फाइन,
सो बाय टुमारो विल सी दिस थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल वे. ओके, होप सो सबको समझ में आ गया. फाइन देन, विल स्टॉप हियर बिकॉज़ आई हैव अनदर सेशन एट 11. तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ये थोड़ा सा मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूं अभी. ओके ये देख लो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड शेयर द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, आई अपलोड रिकॉर्डिंग बाय टुडे ओनली, तो समझ में आ जाएगा. ओके फाइन देन, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग.